ये लोग यहां पर आ चुके हैं, अपनी मांगों को लेकर चिल्ला चुके हैं, लेकिन सरकार कान में उंगली डालकर बैठी हुई है। सरकार ने जब रोजगार दिया आपको बड़ा अच्छा लगा? अच्छा लगा सर, लेकिन अब बहुत दुखी हैं हम लोग, हैं कर्जे में डुबा रखे हम लोगों को एकदम। किसी सखी दुखी 75,000 माफ किया जाए। आप लोगों ने 75,000 रुपए मांगे थे कि अपने से दिया? अपने से दिए थे। फिर से कंफर्म कर लें, आप लोगों ने मांगा था या दिया? सरकार की बातें नहीं समझ में आ रही। 75,000 रुपए दिया और ये कहकर दिया कि आप ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, फला चीज ले लीजिए, और 4 महीने बाद सरकार कह रही है कि ब्याज दे दीजिए। अब तो मुझे गलत क्या, हम लोग बहुत अच्छी तरह जाल में फंस गए हैं, अब निकलना भी मुश्किल लग रहा है क्योंकि इतनी सारी महिलाएं सक्षम नहीं है। 75,000 रुपए जो कर्जा लाद दिया है अदा कर पाएंगे? पति का कोई बिजनेस है कि नहीं है? नहीं है सर, मजूरी करते हैं, ईंटा गाड़ा करते हैं, हम लोग कहाँ से भरेंगे सर? 75,000 रुपया कहाँ से भरेंगे हम? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सैफ। इस वक्त मैं इको गार्डन में हूं और यहां से रिपोर्टिंग हम आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, ये धरना स्थल है जहां पर आप आइए, चिल्लाइए और चीखिए, और चारों तरफ के दीवार इतने मजबूत हैं कि यहां की आवाज़ सदन तक नहीं पहुंच पाएगी, यानी विधानसभा तक नहीं पहुंच पाएगी, और इसे घोषित जेल कहा जा सकता है कि आप आइए, यहाँ गिड़गिड़ाइए, चिल्लाइए, लेकिन आपकी कोई सुनवाई नहीं होने वाला है। यही कारण है कि ये साड़ी पहने हुई महिलाएं जो हैं वो यहां पर बैठी हुई हैं। कई बार ये लोग यहां पर आ चुके हैं, अपनी मांगों को लेकर चिल्ला चुके हैं, लेकिन सरकार कान में उंगली डालकर बैठी हुई है। कुछ लोग हैं यहां पर जो महिलाएं हैं, बोलना चाहती हैं, अपनी बात रखना चाहती हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर बीसी सखी महिलाओं के लिए सरकार क्यों एक्शन नहीं ले रही है, क्यों आखिर बीसी सखियों के बारे में सरकार नहीं सुन रही है, जबकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भाजपा की तरफ से नारा आया है, ना कि किसी एक पत्रकार की तरफ से आया है या किसी और पार्टी की तरफ से आया है या आम जनता ने बोला हो। ये नारा जो है वो स्वयं सरकार ने ये नारा दिया है। तो आखिर अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार दे रही है, तो आखिर ये साड़ी पहनी महिलाएं जो है, ये जो बेटियां हैं, जो माँ है, जो बहना है, वो क्यों प्रदर्शन में बैठी हुई है? क्या हालचाल है सर? ठीक है, हम लोग का यही 75,000 माफ नहीं किया जा रहा है। हम लोग बहुत ज़्यादा मजबूर हैं यहाँ आने के लिए, अपने घर परिवार से भी सभी लोग दुखी हैं। जब हम लोग को ये जॉब लगी थी, हम लोग के परिवार वाले घर वाले बहुत खुश थे। आप खुश थी? हम भी खुश थे सर। कितना खुश थी? इतना खुश थे कि सर हम लोग के लिए कुछ तो कुछ रोजगार मिला, हम लोग कुछ अपने लिए कर सकते हैं। सरकार ने जब रोजगार दिया आपको बड़ा अच्छा लगा? अच्छा लगा सर, लेकिन अब बहुत दुखी हैं हम लोग, हैं कर्जे में डुबा रखे हम लोगों को एकदम। किसी सखी दुखी? एकदम दुखी हैं सर, हम भी दुखी हैं, परिवार भी दुखी है, और जितने भी बहन हैं सभी दुखी हैं। लेकिन सरकार तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम का नारा देती है, और क्या चाहिए? कुछ नहीं है, 75,000 भी मान लीजिए आज तक के डेट में 3 साल का मान लीजिए 130,000 ब्याज हो गया 75,000 रुपये, हम लोग कहाँ से भरेंगे? 1 रुपए भी नहीं मिल रहा हम लोग। 75,000 किस नाम से लिए थे, किस बात का लिए थे? नहीं थे सर, हम लोग को सरकार दी थी। मांगे थे कि दिया था? नहीं सर, सरकार दी थी, हम लोग ने मांगा नहीं था। अपने से दिया? जी सर, हमने मांगा नहीं था। और अचानक से क्या बोली सरकार? 4% ब्याज हमको चाहिए दीजिए। हम लोग पहले सरकार ने रोजगार के नाम पर आपको पैसा दिया? जी सर, यही ना। और उसके बाद क्या कह रही है, 4% हमको ब्याज चाहिए? चाहिए, हम लोग कहाँ से देंगे, महीने की पेमेंट भी नहीं मिल रही है हम लोगों की। अजीब है भैया, मतलब एक तरफ सरकार कह रही हमने रोजगार दिया और रोजगार के नाम पर पैसा दिया, अब उस पैसे पर ब्याज लगा दिया 4%। एकदम कर्ज में डूबे हुए हम लोग हैं, हम लोग को कोई राह नहीं दिख रही है, घर वाले भी डांट रहे हैं, बोल रहे हैं हम लोग कहाँ जाएंगे। क्या क्या करती हैं आप, इस जो बीसी सखी जो है वो क्या क्या करती हैं? हम लोग जैसे कि गांव में जाते हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं नहीं जा पाती हैं, पैसे निकालना, विकलांग लोग जो होती हैं, पैसे निकालना, लेन देन करना, गांव गांव में घूमकर भी ये काम करते हैं हम लोग हैं, लेकिन हम लोग को कोई रिस्पांस नहीं है सिवाय सुनने के। अब तो चुनाव आ गया 24 में, वोट भी डलवाने का काम करेंगे आप लोग? नहीं करेंगे, हम लोग वोट नहीं देंगे। हम लोग को अगर हम माफी हम लोग को नहीं करेंगे 75,000 का, हम लोग उनका साथ नहीं देंगे। 2022 का चुनाव जो हुआ था तो बूथ में ईवीएम ओवीएम को लेकर आप लोग कुछ योगदान रहा कि नहीं रहा आपका? नहीं कराया आप लोग? वोटिंग किए सर, लेकिन आप 75,000 का माफी नहीं करेंगे, हम लोग को मानदेय नहीं देंगे, तो हम लोग उनका साथ कभी नहीं देंगे।
क्या करा? वोटिंग कराया गया था। वोटिंग कराए थे? हाँ सर, घूम घूम के महिला लोग को जागृत करके लेके गए थे। अच्छा, जागरूक आप कर रहे थे कि वोट डालना आपका अधिकार है, आप वोट नहीं डालेंगे तो कैसे? पहले हम लोग बहुत खुश थे तो इसलिए हम लोग उनका सहयोग कर रहे थे, लेकिन वो हमारा सहयोग नहीं था, हम उनका सहयोग कैसे करें सर? 75 की सरकार महिलाओं का साथ दे रही है, सबको रोजगार दे रही है, इसलिए हम लोग बहुत उत्सुक थे उस समय शुरू शुरू में। अब जो है बहुत दुखी है सर, ऋण से एकदम हम लोग बोर हो रहे हैं, कैसे दें उसको वापस। और नौकरी मिलती सारे लोग खुश हो जाते थे, हम लोगों को ऐसी नौकरी मिली कि टेंशन में डूब गए, ऋण में डूब गए, सर कैसे वापस करेंगे। हम लोगों को पूरी मान दे दिया जाए और 75,000 माफ़ किया जाए। तो आप लोगों ने 75,000 रुपये मांगे थे कि अपने से दिया? अपने से दिए थे सर। फिर से कन्फर्म कर लें, आप लोगों ने मांगा था या दिया? अपने से दिया था सरकार, सरकार ने अपने से दिया था। एक बार और पूछ लेते हैं, ये 75,000 रुपए सरकार ने दिया था या मांगा था आपने? हम नहीं मांगे थे, आप वो दिए, खुद दिए थे, हम नहीं मांगे। आप भी बता दीजिए, मांगे थे या दिया था? नहीं मांगे नहीं थे, वो समूह के खाते में डाल दिया गया था। जब तक समूह के खाते में था तो जब आया होगा तो आप सोचे होंगे मजा आ गया, 75,000 रुपए आ गया ना, यही सोचे होंगे ना आप लोग? मजा नहीं आया था, हम लोग से ब्लॉक से सूचना मिला कि आपको 75,000 सपोर्ट के माध्यम से मिला है और वो पैसा आप लेके उससे डिवाइस खरीदिए और उससे आप काम चालू करिए और जो कमीशन आएगा उससे आप उसका ब्याज भर देंगी। और सरकार बोला समय ब्याज के बारे में बताया गया था क्या? नहीं, जैसे बाद में बताया, जब पैसा आने के बाद में। पैसा जब आया उसके कितने दिन बाद बताया गया? जो अरे 2-4 महीने के बाद, जैसे वो अभी समूह के खाते में पैसा था, जब पर्सनल खाते में ट्रांसफर करना था। जिस दिन पैसा दिया गया उसके 4 महीने बाद बताया गया कि आपको ब्याज देना है? जैसे ट्रांसफर हम लोग अपने खाते में हो गया वैसे मांगना चालू कर दिए, आप बता दिए क्या? भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बात सरकार की बातें नहीं समझ में आ रही। 75,000 रुपए दिया और ये कहकर दिया कि आप ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, फला चीज ले लीजिए, और 4 महीने बाद सरकार कह रही है कि ब्याज दे दीजिए। रूप में हम लोग को 75,000 रुपये दिया था, डिवाइस खरीदिए, लैपटॉप खरीदिए, उसे बिजनेस करिए। जो तगड़ा तो फ्रॉड जो है वो प्राइवेट लिमिटेड वाले नहीं करते होंगे, जितना तगड़ा सरकार कर गई महिलाओं के साथ में, है ना? यही है ना जी, क्या कहेंगे, गलत तो नहीं कर रहा हूँ? अब तो मुझे गलत क्या, हम लोग बहुत अच्छी तरह जाल में फंस गए हैं, अब निकलना भी मुश्किल लग रहा है क्योंकि इतनी सारी महिलाएं सक्षम नहीं है जो 75,000 रिटर्न कर पाए और उसका ब्याज भी साथ में रिटर्न कर पाए। और उसके अच्छा, अगर आप एक साल पर 4,000 नहीं दे पाएंगे, दूसरे साल में फिर 4,000 चढ़ गया, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ हम कहाँ से पेमेंट कर पाए, उसको वापस कर पाएंगे? बैंक ले रहा है, लेगा, अभी हम लोग नहीं दे रहे हैं। माफ नहीं करेगा बैंक? बैंक माफ कर, सरकार बोलेगी तब तो माफ करेगा, गवर्नमेंट के ऊपर है ना, गवर्नमेंट जब चाहेगी तभी तो माफ करेगा, गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तो कैसे होगा? यही बात समझ में आ रहा है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां जो हो रही हैं, सीधा सीधा बात समझ लीजिए, इसमें सरकार का हाथ तो है लेकिन प्राइवेट लिमिटेड वालों का कितना फायदा है आप देखिए कि 75,000 रुपए इन्वेस्ट कराया जाता है और उसके बाद 75,000 पर 4% महिलाओं से ब्याज लेने पर सरकार तैयार हो जाती है। हाँ, जो तो दे दिया पर प्राइवेट बैंक भी दे दिया, अंतर्राष्ट्रीय बैंक भी नहीं दिया, उससे अच्छा खासा हम लोग भी पैसा कमा सके। पेनियर भाई ऐसा है कि 1,00,000 अगर हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो हमको 90 रुपये देगा, 50 रुपया पेनियर भाई लिया, हमको मिला 40 रुपया, तो फिर 40 रुपये में किराया देंगे कि मोबाइल रिचार्ज करेंगे कि परिवार का अपना खर्चा करेंगे कि उनका ब्याज देंगे, उनका ब्याज कैसे? हाँ जी भाई, भाई क्या रोजगार है, वाह भाई वाह, कि क्या है बिजनेस है, नौकरी के नाम पर बिजनेस कर दिया है, कर्ज लीजिए, अपना का खर्चा चलाइए, चाहे न चले हमारा पैसा दीजिए, बात ही है। वाह भाई वाह, क्या रोजगार मिला आप लोगों को भाई, जितना तारीफ किया जाए सरकार का उतना ही कम है। ट्रांजेक्शन जैसे हम लोग करते हैं, जैसे 1,000 रुपया उतारते हैं तो उसमें आता है 1 रुपया 2 रुपया, तुरंत 1 रुपया माइनस करके दिखाता है, TDS तुरंत कट जाता है, तुरंत कट जाता है। तो प्राइवेट लिमिटेड वाले कहाँ छोड़ेंगे, उनको जैसे मौका मिलेगा 1 रुपया हो चाहे 2 रुपये कट लेंगे, मैसेज दिखाता है, वो कट के दिखाता है कि 1 रुपया कट गया आपका। हाँ, हम लोग के यहाँ फोन भी लखनऊ से आता है कि आपका, हम बोले कि हम लोग का TDS भी कटता है, TDS तो तुम्हारा साथे साथ कट लेते हैं हम लोग। अच्छा, जैसे पैसा आता वैसे वो अपना पैसा काट लेते हैं, कट जाता है। अब बैंक में हम लोग ओडी अकाउंट के लिए जाते हैं, जैसे ट्रांजेक्शन करते हैं वैसा कट जाता है तुरंत। तो वाह भाई वाह, अपना पैसा लेने में सरकार पीछे नहीं हटती है और 75,000 रुपए देकर इनके ऊपर कर्जा लाद दिया है, अब ये कर्जा अदा नहीं कर पाएंगे। इधर आइए जरा से देखिए, महिलाओं का गुस्सा तो आप देख रहे हैं लेकिन ये 75,000 रुपए जो कर्जा लाद दिया है अदा कर पाएंगे? पति
पति का कोई बिजनेस है कि नहीं है? नहीं है सर, मजूरी करते हैं, ईटा गाड़ा करते हैं। हम लोग कहाँ से भरेंगे सर, 75,000 रुपया कहाँ से भरेंगे हम लोग? 4% ब्याज पे है सर, कहाँ से भरेंगे हम लोग? मानदेय भी 4,000 है, वो भी नहीं सरकार दे रही, हम लोग कहाँ से भरेंगे? गरीब आदमी है, बताइए सर। काहे नहीं दे पाएंगे? लड़के जवान हो गए होंगे, पति जवान, मतलब पति जो है कमा रहे होंगे। पति तो ईटा गाड़ा करते हैं, बच्चों को जिलाते हैं, कहाँ से भरेंगे सर इतना पैसा? अजीब रचना है भाई साहब, ये सरकार की जो नीति है ना, इसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। ना तो मांगा गया, ना तो छीना गया, सरकार ने कहा आप भैया बहना बच्ची 75,000 रुपये ले लीजिए और काम शुरू कर दीजिए, और 4 महीने बाद इनके पास ये इन्फॉर्मेशन आता है, एक सूचना आती है कि आपको 4,000 रुपये ब्याज देना पड़ेगा, 4% ब्याज देना पड़ेगा, यानी साल का 4,000 या 4,500 रुपये ये बनता है। अब आप सोचिए कि प्राइवेट लिमिटेड वालों प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों का कितना फायदा सरकार सोच रही है और बहनाओं का कितना नुकसान सोच रही है, ये आपको तय करना है। खैर, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक न्यूज़, जनता कहीं के साथ।